वो हमें चाहिए, आप आइडेंटिफाई करके दोगे। डीसी साहब इसमें बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, उन्होंने कहा कि मेरे पुलवामा के 190 हलकों में से 190 के यहाँ पर उनके लिए कोई अमेजमेंट की चीज होगी, लेकिन उनके लिए यहाँ पर कोई अमेजमेंट की चीज नहीं है, न यहाँ पर कोई लाइटिंग है। हॉस्पिटल हॉस्पिटल बट इट इज अंडर स्टाफ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज दैट वी हैव बीन सेक्शनिंग द हॉस्पिटल विच इज ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली द स्टाफ इज वर्किंग राइट नाउ इन अ प्राइवेट हार्ट, वी कैन नॉट चाहे वो जिसमें यूथ हो, चाहे वो ऐसे इनिशिएटिव्स हो, हमारे डीसी साहब हर टाइम यूथ को एंगेज करे। और मेरे को लगता है कश्मीर में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमारे डीसी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। मैं अपने ग्रीवेंसेस नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो सबके सामने आया है, सबको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन बेसिक जो प्रॉब्लम है तो वो मैं यहाँ पे आपके सामने जाहिर करना चाहूंगा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जो फर्स्ट एड किट है वो उसको यहाँ पर मिल सकेगा, ये तो सबसे हमारी प्रायोरिटी में से एक चीज है जो हमने आपके सामने रखी। दूसरा सर हमारा ये मसला है कि यहाँ पर जो ये पार्क है, इस पार्क का नाम तो यूथ को एंगेज करे, और मेरे को लगता है कश्मीर में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमारे डीसी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। मैं अपने ग्रीवेंसेस नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, चाहे वो जिसमें यूथ हो, चाहे वो ऐसे इनिशिएटिव्स हो, हमारे डीसी साहब हर टाइम यूथ को एंगेज कर। ऑल ऑफ यू और ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर सर एंड अदर डिग्निटरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो माय नेम इज सानिया अंसार एंड आई एम हियर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हाल। सो वी आर डूइंग वेरी गुड इन अवर एकेडमिक सर, एज वी नो दैट स्टूडेंट्स आर द नेशन बिल्डर्स। So, but the thing where we are lagging is that we don't have sufficient space for the playgrounds. So, there is a lot of wasteland area around our school. So, we want you to include that in our playground so that we can perform some curricular activities. So, and the other thing is that waste management system. So, we don't have proper waste management system. So, we often do the cleanliness by ourselves, our principal ma'am and our teachers. So, we want there should be a proper waste management system. And for non-biodegradable and biodegradable waste so that we can separate it. So the other thing is that so we want some fund for the construction construction of library and the staircase, that we don't feel safe because the staircases are broken, so the pavement, the path is not proper. So all we want is that our school should be it should be converted into a model school. So we're still using the primitive methods of education, so we want modern classrooms and digital education. किस तरीके से आप जो है इन चीजों से छुटकारा चाहते हैं, आप समझ रहे हैं ना बेटा? सबसे मेन चीज यही है। दूसरी चीज जो ये है कि अभी ये प्रॉब्लम हमें अभी लग रही है, आप सोचोगे 20 साल के बाद ये प्रॉब्लम कहाँ होगी? जो आज का यूथ है कल वो 20 साल के बाद 40s में होगा, और 40s में वो क्या करेगा आप खुद सोचो, उसके भी बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके बच्चों की यही डिमांड है, बाप की भी, मतलब मैं आपको एक सिलसिला अगर बताऊं, दादा की भी वही डिमांड थी कि ड्रग्स नहीं होनी चाहिए, उसके बेटे की भी वही डिमांड थी, वो भी बड़ा हो गया, अब पोते की भी वही डिमांड है, वो भी धीरे धीरे बड़ा हो गया, ठीक है ना? अब ये ड्रग्स खत्म करेगा कौन? बात समझ में आ रही है? ये करेंगे सिर्फ और सिर्फ आप। इसका मेन मकसद हमारा यही है कि जो आज के बाद जो भी हमारी प्लानिंग होगी आने वाले 10 साल या 15 साल 20 साल, एक यूथ का एक विजन होना चाहिए, यूथ का एक आइडिया होना चाहिए, जिसको हम जो है वो किसी भी प्लान में या किसी भी काम में जो है वो इनकॉर्पोरेट करें, सो दैट क्योंकि आने वाला टाइम यूथ का ही है, इनको किस तरीके का प्लान चाहिए, स्कूल चाहिए या प्लेग्राउंड चाहिए या ओवरऑल सोसाइटी कैसी चाहिए, या इनको जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उस वो किस तरीके का होना चाहिए, साफ सफाई किस तरीके की होनी चाहिए, पानी किस तरीके का होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का ओवरऑल जो है वो ये किस तरीके से चाहते हैं वही एक विजन लेना है। और हमारा एक मिशन है कि कम से कम जो है वो आने वाले 20-25 साल के बाद पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस स्टेज पे होगी या उसमें किस किस्म की डेवलपमेंट जो होगी वो इसी स्टेप बाय स्टेप वे में जो है वो होनी चाहिए, और उसी वे की एक जो है पहली कड़ी आज हमने यहाँ से स्टार्ट की है,
ये एक पूरे महीने की कड़ी है, इसमें हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो है वो चेंजेस करनेंगे या एडिशन जो है वो होता रहेगा। मेरा आपकी तरफ से, आपके माध्यम से ये यूथ की तरफ पैगाम है कि आपका जो भी विजन है वो प्लीज मेरे साथ शेयर करें, सो दैट के हम देखेंगे पुलवामा में जो है आपका विजन है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट।